हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ग्रीन मसाला फ़िश करी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनकर रेडी हुई थी। तो हमेशा जो है मैं रेड फ़िश करी बनाती हूँ, ये टाइम मैंने सोचा कि मैं ग्रीन कलर की फ़िश करी बनाती हूँ, ग्रीन मसाला वाली। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी और बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रही थी। इसमें जो फ़िश है ये भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनकर रेडी हुई थी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं, यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिए हैं ग्रीन चिली, जो कि मैंने 3 से 4 ली है। उसके बाद कोकोनट लिया है, 1 मीडियम साइज़ का अनियन लिया है और थोड़े से कोरिएंडर लीव्स लिए हैं। तो इन सबको हमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका ग्राइंड करके थोड़ा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। उसमें मैं 1/2 टीस्पून जितना मस्टर्ड सीड्स ऐड कर रही हूँ राई। और इसके बाद थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून जितना ज़ीरा। तो ये दोनों भी जैसे स्लैटर हो जाएंगे, वैसे हम इसके अंदर ऐड करेंगे करी लीव्स। तो करी लीव्स से जो है इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। और जैसे ही करी लीव्स ऐड करेंगे, इसके 2 मिनट बाद हमने जो पेस्ट बनाया है ग्रीन पेस्ट, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो पेस्ट सारा अच्छे से हमें इसमें ऐड कर देना है और फिर इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो इसे हमें 1-2 मिनट तक मिक्स करना है और फिर इसके बाद हम इसे कवर करके रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि जो मसाले का जो रॉ स्मेल है वो अच्छे से इसमें से निकल जाए। तो सारा जो कच्चा स्मेल है वो इसमें से निकल जाना चाहिए। तो इसे हम कवर करके रख देंगे लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए। और यहाँ पर मैंने इसे कवर करके रख दिया है। अब 2 मिनट के बाद मैं इसे ओपन कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसे ओपन कर लिया। आप देख सकते हैं जो ऑयल है वो इसमें से अच्छे से सेपरेट होने लगा है, मतलब जो मसाला है वो अच्छे से इसमें फ्राई हो चुका है। तो बस हम इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ पे मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ये 1 फुल टेबल स्पून जितना ऐड करना है हमें। तो 1 टेबल स्पून जितना मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करने वाले हैं। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने इसे 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई किया, ताकि उसका भी जो रॉ स्मेल है वो निकल जाए। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट एज़ ऑलवेज आपके टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कीजिएगा। और थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने इसमें ऐड की है, उससे जो टेस्ट इसका थोड़ा सा और एनहेंस हो जाएगा। तो बस इसे हम कवर करके फिर से रख देंगे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, ताकि सारे जो फ्लेवर्स हैं मसाले के वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो बस यहाँ पे मैंने 2 मिनट के बाद इसका जो कवर है वो ओपन कर लिया था। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी लेमन जूस। तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास अमसुल है तो आप वो भी थोड़ी देर सोक करके इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे भी फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। बट यहाँ पे मैंने लेमन जूस ऐड किया है। मैंने यहाँ पे 1 स्मॉल साइज़ का लेमन फुल ऐड किया है जूस उसका। और जैसे ही थोड़ा सा मसाला फ्राई हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो पानी यहाँ पे मैंने 1/2 ग्लास जितना ऐड किया है। अब इसे फिर से मैं कवर करके रख दूँगी। तो यहाँ पे कवर करके मैं इसे 3 से 4 मिनट तक रखूँगी, जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। तो ये देखिए यहाँ पे इसमें बॉयल आने लगा है। जैसे ही इसके अंदर बॉयल आएगा, फिर से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फिर मिक्स करने के बाद मैं इसके जो फ़िश के पीसेस हैं वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। तो फ़िश को मैंने अच्छे से पहले वॉश करके रखा था, और वॉश करने के बाद डायरेक्टली मैं इसके अंदर इसे ऐड कर रही हूँ। मैंने इसे कोई मसाला नहीं लगा कर रखा था फ़िश को, बस मैंने वॉश करके इसमें डायरेक्टली फ़िश के जो पीसेस हैं वो सारे ऐड कर दिए हैं। सारे फ़िश के जो पीसेस हैं वो सब इसमें ऐड हो चुके हैं। अब मैं इसे फिर से कवर करके रख दूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें रखना है, हाई फ्लेम पर हम नहीं रखेंगे। तो लो फ्लेम पर मैंने यहाँ पे रखा है इसे 5 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट के लिए हमें बस इसे रखना है, क्योंकि जो फ़िश है ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत जल्दी से कुक हो जाती है। तो बस 5 मिनट के लिए रखेंगे, अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए रखते हैं तो फ़िश जो है इसके इसमें पीसेस होने लगेंगे। तो बस यहाँ पे देखिए करी जो है ये बनकर रेडी हो चुकी है। फ़िश बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसे चेक कर लेना है कि ये सॉफ़्ट हुई है कि नहीं। अगर ये सॉफ़्ट हो चुकी है, मतलब आपकी जो करी है वो रेडी हो चुकी है। तो बस यहाँ पे मैंने इसे सर्व कर दिया है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनकर रेडी हुई थी। आप लोग भी ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। सिंपल सी रेसिपी है बट खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी ये।
तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, हमारे घर में भी सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, तो आप लोग भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। तो बस ये थी मेरी आज की रेसिपी, इंशाल्लाह मिलती हो आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।